खरसिया तहसील प्रांगण में नगर पालिका परिक्षेत्र के नजूल प्लाट 20/1 450 वर्ग फीट जमीन की नीलामी किए जाने की सुनिश्चित की गई थी, जिस पर कई लोगों द्वारा नीलामी की प्रक्रिया पर आपत्ति जताई गई है और नीलामी प्रक्रिया पुनः करने की मांग की गई है। खरसिया नगर पालिका क्षेत्र के नजूल प्लाट की नीलामी प्रक्रिया में रिपु सुदन पांडे, प्रशांत एवं अन्य ने अनियमितता का आरोप लगाते हुए नीलामी निरस्त करने की मांग की है। साथ ही लिखित शिकायत पत्र भी नजूल अधिकारी को दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कान्हा शर्मा के नाम पर अन्य व्यक्तियों के द्वारा बोली लगाई गई है, जो कि नीलामी प्रक्रिया और संवैधानिक कानूनों के विपरीत है। कान्हा शर्मा बोली के समय नीलामी कक्ष में उपस्थित नहीं थे। अन्य व्यक्ति के द्वारा बोली लगवाना विधि एवं प्रक्रिया के विरुद्ध है। शिकायतकर्ताओं ने नीलामी प्रक्रिया पुनः निष्पक्ष रूप से कराए जाने की मांग की है। मेरा नाम रिपुसुदन पांडे है और आज नीलामी में 20/1 पुरानी बस्ती नजूल भूमि का था, उसमें हम भागीदार थे और एक टोटल 31 लोग थे, उसमें कि जिसका नाम नहीं था वो व्यक्ति वहाँ बोली बोला और जिसके नाम से बोली कान्हा शर्मा के नाम से हुआ वो 10 मिनट बाद आया, 1, 2, 3 फाइनल होने के बाद, तो जिसकी हमने आपत्ति की, जबकि वो अधिकृत नहीं था जो व्यक्ति बैठा था कान्हा शर्मा के नाम से, क्योंकि चूँकि हमने पहले ही कह दिया था कि 31 लोग ही रहें जो बोली बोलते हैं, जो पैसा पटाए हैं वो लोग, तो अधिकारी ने यस किया था, तो जिसकी हमने अभी नजूल अधिकारी को लिखित में आवेदन दिया, मौखिक वहाँ पे हमने वहाँ आपत्ति भी दर्ज की है और कहा है और लिखित में भी हमने आवेदन दिया है। हमें पूरी उम्मीद है कि ये नीलामी को उचित कार्रवाई कर निरस्त करेंगे, ये हमें विश्वास है। आज तहसील खरसिया में नगर पालिका क्षेत्र के नजूल प्लाट के 20/1 450 वर्ग फीट जमीन की नीलामी की गई, जिसमें 31 प्रतिभागियों ने भाग लिया और जिसमें अधिकतम बोली 25 लाख 50 हज़ार रुपये लगाई गई। और नीलामी में अभी कुछ आपत्तियाँ आई हैं जिसको अभी उनके द्वारा लिखित में प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसका आगे निराकरण किया जाए। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24।